गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम. टुडे वी विल लर्न लेसन 5 ऑफ आईटी. लास्ट वीक भी आपने पढ़ा था लेसन 5, लेट्स पेंट. उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. हमने पेंट के बारे में रीड किया था लेसन में कि हम पेंट में क्या क्या कर सकते हैं. इसके बाद हम पेंट को ओपन कैसे करते हैं और पेंट की स्क्रीन के बारे में भी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था. टैब कौन सी होती हैं, रिबन कौन से होते हैं, ग्रुप्स कौन से होते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के जो ये रिबन होता है, ये जो पेंट में रिबन होता है, इसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा होता है. ये देखिए क्लिपबोर्ड, इमेज टूल, इन्हीं को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे. ये देखिए पहला है टूल ग्रुप. ये जो टूल्स होते हैं, ये जो जिसमें आप आउटलाइन है, ये देखिए लिखा भी हुआ है इसके नीचे टूल ग्रुप. ये देखिए फर्स्ट है टूल ग्रुप, फिर शेप्स ग्रुप. ये इसमें ये टूल ग्रुप उल्टा लिख दिया है, ये टूल ग्रुप नहीं है, ये शेप्स ग्रुप है और ये टूल ग्रुप है. तो ये टूल ग्रुप में सबसे पहला है, बताइए इसको पहचान के बताइए ये कौन सा ग्रुप है, सॉरी ये कौन सा टूल है. पेंसिल टूल. फर्स्ट टूल कौन सा है? पेंसिल टूल. पेंसिल आपको पता ही है, फ्री हैंड ड्राइंग जब भी हमें करनी होती है, मैं पेंट ओपन कर लेती हूँ और साथ में आपको करके भी दिखाऊंगी. जैसे ये पेंट है तो ये फर्स्ट जो है ये कौन सा टूल है? पेंसिल टूल. पेंसिल से आप फ्री हैंड ड्राइंग कर सकते हैं. इस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं फ्री हैंड, जैसा भी, मतलब आप खुद अपनी पास से ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ कर सकते हैं. अगर हमें इसका साइज़ बड़ा करना है तो कंट्रोल और प्लस, ये देखिए कितनी मोटी होगी. कौन सी कीज़? जैसे हम इरेजर, अगर हमें थोड़ा थिक करना होता है तो भी हम कंट्रोल और प्लस वाली की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से इकट्ठा ही. अगर हमें थोड़ा इसको पतला करना है, थिन करना है, तो कंट्रोल और माइनस. ये देखिए ये कम हो गया और ये इस तरह से हम इसको पेंसिल को थिक भी कर सकते हैं. पेंसिल का कलर चेंज करना है तो जो भी आप कलर लेंगे उस कलर की पेंसिल आपके पास आ जाएगी. इस तरह से हम पेंसिल से फ्री हैंड ड्राइंग, जिसे आप कॉपी में कैसा भी ड्रॉ करना चाहते हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं. इसके बाद है सेकंड है फिल कलर. सेकंड फिल कलर में आपको पता ही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना है. कोई भी शेप बनाई हुई है आपने, कुछ भी आपने बना, कोई ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें कलर फिल करना है. तो ये कलर फिल करने के लिए जो भी कलर सेलेक्ट करोगे आप, कलर सेलेक्ट कीजिए कलर बॉक्स में से और कलर कर सकते हैं. फुल स्क्रीन पे करना है तो इस तरह से स्क्रीन पे भी कर सकते हैं. इसके बाद ये जो ए लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स. क्या बोलते हैं इसको? टेक्स्ट बॉक्स. अब टेक्स्ट बॉक्स में पे क्लिक करके और यहाँ एक बॉक्स ड्रॉ किया जाता है. अब आप लिख रहे हो तो नहीं लिखा जा रहा. कुछ बच्चे यहीं कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मैम हमसे तो लिखा ही नहीं जा रहा. देखिए जो कलर हमने लिखने के लिए सेलेक्ट किया हुआ है वही कलर हमारा बैकग्राउंड पे है, तो हमें लिखा हुआ कैसे दिखाई देगा? तो हम कलर चेंज करेंगे पहले और अब लिखेंगे तो इस तरह से अब लिखा जा रहा है. साइज़ बड़ा करना चाहते हैं टेक्स्ट का तो ये टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर सकते हैं. ठीक है, अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर बोल्ड में लिखना चाहते हैं तो ये बी बटन ऑन कर लेंगे तो जो भी लिखेंगे हम बोल्ड में लिखा जाएगा. यू से अंडरलाइन, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यू से. और ये आई होता है आई फॉर इटैलिक, यानी कि थोड़ा सा स्लैंट लिखना, थोड़ा टेढ़ा लिखना. अगर हम इस बटन को ऑन कर लेते हैं तो जो भी लिखेंगे वो ये देखिए थोड़ा सा स्लैंट लिखा जा रहा है, थोड़ा सा
टेढ़ा, ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ठीक है। यू से अंडरलाइन, तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स, अब बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो सिंपल आपके पास बाकी टूल्स आ गए। ये फिर से टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए आपको ये टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना पड़ेगा। इरेज़र आप सबको पता ही है, ये इरेज़र है, इसका अगर इरेज करना चाहते हैं तो ये इरेज़र होता है। इसका भी साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल और प्लस दोनों कीज़ को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये इरेज़र का साइज़ बड़ा हो जाएगा। छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल और माइनस, ठीक है। अब एक टूल और है जो अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, ये पिक कलर टूल। इरेज़र के बाद आता है पिक कलर टूल। पिक कलर टूल में क्या करते हैं हम, जैसे हमें कोई शेप या कुछ पहले हमने ड्रॉ किया, ठीक है, उसमें हमने यहाँ से कलर फिल किया, यहाँ से हमने कोई शेड्स ले ली, जैसे डिफरेंट शेड्स भी आती है ना यहाँ कलर की, मान लो मैंने ये वाली शेड ले ली और यहाँ पे कलर फिल कर दिया। अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और हमें इसमें भी सेम वही कलर पिक, ये वाला कलर ही जो हमने पहले स्टार में ड्रॉ फिल किया था, बिल्कुल सेम वही। अब हमें यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है कि यहाँ पे कौन सी शेड थी, तो आप यहाँ से भी इस शेप में से भी कलर पिक ले सकते हैं तो सेम कलर आ जाएगा ना। जैसे पहले क्या लिया आपने, पिक कलर पे क्लिक किया और यहाँ जिस जो यहाँ पे वो जिस शेप में वो कलर किया हुआ है उस शेप पे क्लिक किया, ठीक है। तो अब हम फिल कलर लेंगे तो बिल्कुल सेम कलर आ जाएगा, तो हमें चूज़ नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से देखो ये बिल्कुल सेम कलर हो गया, हमें चूज़ नहीं करना पड़ेगा कि ये कौन सा कलर था, थोड़ा सा भी शेड में डिफरेंस आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो जब हमें सेम कलर लेना होता है तो हम कलर बॉक्स में से कलर ना लेके उस शेप से भी, शेप के अंदर जो कलर पहले से फिल किया हुआ है वहाँ से भी कर सकते हैं। ये पिक कलर टूल आप ज़रूर करके देखें, ये आपके लिए पहले नया है, आपने फर्स्ट सेकेंड क्लास में अभी नहीं किया होगा। एक ये लास्ट टूल है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखने के लिए, देखो ये मैग्नीफायर ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। नॉर्मल में जाना है तो यहाँ व्यू में जाइए और ये 100% पे क्लिक कर दीजिए और होम पे वापस क्लिक कर दीजिए तो आप जैसे पहले आपका आ रहा था वैसा ही आ जाएगा। तो ये चीज़ों को जैसे हमें कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा होता तो हम ये देखिए जैसे ये मैग्नीफायर ये बॉक्स आता है, इस बॉक्स के अंदर जो भी चीज़ आएगी क्लिक करते ही वो बड़ी होके दिखाई देगी। ओके, तो ये टूल ग्रुप जो था, ये 6 टूल्स, ये सबको पता होने चाहिए कि इन टूल्स का क्या क्या यूज़ है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।